पीएससी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडिया के चेयरमैन रमेश चंद्रा वालों रेलवे स्टेशन फगवाड़ा का दौरा किया गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने जिथे रेलवे स्टेशन के अधिकारियों भाजपा वर्करा वालों निघा स्वागत किया गया, उत्थे ही रमेश चंद्रा ने रेलवे स्टेशन विखे यात्रियों पेश आ रही समस्यावां संबंधी भी अधिकारियों गलबात की। इस दौरान रमेश चंद्रा ने रेलवे स्टेशन का दौरा भी किया, जो कमियां नजर आईया उन्होंने दूर करने विभाग के अधिकारियों आदेश दिए। इस दौरान रमेश चंद्रा वालों स्टेशन विखे साफ सफाई और सुरक्षा प्रबंधा का भी जायजा लिया गया, जबकि ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों नाल भी गलबात कर स्टेशन विखे आ रही मुश्किलों ते होरना कमियां पेशियां बाबत भी जानकारी हासिल की। यात्रियों वालों भी दी गई जानकारी ते रमेश चंद्रा ने तसली का प्रगटावा किया। इस मौके जनता सेवा समिति के प्रधान बिपन खुराना ते मलकिया सिंह रघबोतरा ने रमेश चंद्रा नूं रेलवे स्टेशन विखे यात्रियों नूं ठंडे पानी की सुविधा लई पानी नूं ठंडा करन वाले प्लांट लई जगह देने की भी मांग की, जिस ते रमेश चंद्रा ने तुरंत ही इस मांग नूं प्रवानगी दी। इस मौके गलबात करदे रमेश चंद्रा ने आख्या कि भारत सरकार वालों पूरे देश भर दे रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिस दे तहत ही उन्हां वालों पहला अमृतसर अटारी जलंधर कैंट विखे दौरा करने तो बाद फगवाड़ा विखे पहुंचे ने, जिथे कि उन्होंने फगवाड़ा के रेलवे स्टेशन जल्द ही हर सुविधा लैस करने की भी गल आखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ते रेलवे मंत्री का मुख मकसद है कि ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा लिए हर सहूलत उपलब्ध होवे। उन्होंने फगवाड़ा रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को रेलवे स्टेशन विखे अधूरियां पईयां खामियां 15 दिनों के अंदर अंदर ठीक करने के भी आदेश जारी किए। उन्होंने होरना राजनीतिक पार्टियों अपील की कि वह भी तंज कसन की बजाय रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण में सहयोग करन। फगवाड़ा के खेड़ा रोड फाटक के अंडरपास बनाए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत सरकार वालों पूरे भारत में फाटक रहित रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे, तो फगवाड़ा विखे भी इस फाटक के अंडरपास जल्द ही बनाया जाएगा। इस मौके पर बलभद्र सिंह दुग्गल, पंकज चावला, सुनील चाम, गुरदीप दीपा, मलकिया सिंह रघबोतरा तो इलावा बड़ी गिनती में रेलवे विभाग के उच्च अधिकारी और शहर के पतवंत मौजूद सन। मैं दिल्ली से चलकर के फिरोजपुर डिवीजन के 3 दिवसीय प्रवास पर आया हूँ और अमृतसर से लेकर के अटारी से लेकर के जालंधर गेट, जालंधर सिटी और ये ब्यास करते हुए आपके फगवाड़ा आया हूँ। जैसा कि भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है और लगभग 2.25 करोड़ व्यक्ति रेल से यात्रा करते हैं, लेकिन रेल की यात्रा पहले सुबह नहीं होती थी। 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आगमन पर भारतीय शेयर में भारतीय रेल में जिस तरीके से चहुमुखी विकास, सौंदर्यीकरण, आधुनिकीकरण होने लगा है, आपने देखा हो कि वाईफाई हो, LED से सुसज्जित हो और इतना ही नहीं, आप आधुनिकीकरण के रूप में बहुत तीव्र गति से सारे स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं। स्वच्छता अभियान भारतीय रेल का एक प्राथमिकता का दायरा और प्रमुख दायरा है, क्योंकि यात्री वो है जिस तरीके से मानव अपने घर में अपने नहाना धोना, अपने परिवार का, अपने घर को सुरक्षित साफ रखते हैं, कार्यालय को साफ रखते हैं, भारतीय रेल भी आपकी रेल है, भारतीय रेल को भी साफ रखना अपने तरीके से रहना चाहिए। जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जिनके शीशे के मायर होते हैं, दूसरों के पत्थर मारा करते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। लोग कहते हैं रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, जितनी बार भी गतिमान ट्रेन जो चल रही है तेज गति वाली, वो हमने देश नहीं बेचा, देश के साथ सौदा करने वाले तो वो लोग हैं जो बोल रहे हैं। इसलिए पटरी मारी, पायलट हमारा, कोच हमारा, स्टेशन मास्टर था, है, रहेगा, जन सहभागिता मोदी जी ने शुरू की है, जिससे चिंता भी करेंगे, चिंतन भी मुक्त होगा और बढ़िया यात्रा होगी सुखद आनंद लेते हुए। या जनभागता के लिए लोग भी निकल करके आए हैं, वो उनका भी सम्मान है, अधिकारियों के साथ उत्तर मिल करके कुछ अच्छा रहे ऐसी चिंता करेंगे, लेकिन यात्री सफाई का भी कृपया ध्यान रखें, ट्रैक वी कृपया अवैध तरीके से उसे न निकलें, RPF आपसे जुर्माना ले सकती है, जान हम वापस ले सकते हैं। वैसे तो देश भर में मानव रहित फाटक का चूँकि ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे आपका प्रपोजल आया है तो ADR महोदय स्वयं अभी आपके सामने नोडाउ करने लगे। जनता की जहाँ मांग है तो हम भी इसमें चिंता करेंगे, हम इसमें चिंता करेंगे कि अंडरपास को फाटक अवरोध मतलब रेल अवरोध न बने, साधन बने, संसाधन बने, यात्रियों की सुविधाओं के लिए मिले, लेकिन कोई अवरोध न हो, तो इसके लिए नोट भी हम अपने उसमें